केजरीवाल की आप पार्टी में मुझे कभी कुछ नजर नहीं आया, और अब तो खैर आप सब भी जानते हैं कि उनकी सरकार कितनी गंदी तरीके से फिट रही है। अबाउट द गवर्नमेंट हाउ केजरीवाल इज वर्किंग एवरीवन इज नो। सर केजरीवाल बहुत कुछ वादे करता है, बहुत वादे करता है वो, पर लेकिन कोई 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 प्रॉपर काम नहीं करता, एक भी प्रॉपर नहीं काम करता। एक भी मेट्रो में जाने के वादे करता था कि भाई मैं यहाँ से मेट्रो में जाऊंगा, कि भाई पब्लिक के साथ रहूंगा, आप हम लोग आप हैं यहाँ पे, कोई आप नहीं कोई। सर बाद में तो उसके पास गाड़ियाँ हैं, एक एक चीज के लिए उसको पूरी मिलती है सारी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अथॉरिटी के सामने एक बार है, बारशाला के नाम से है, 90 रुपए की बियर हम लोग यहाँ लेते हैं, मैं भी पीता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन वहाँ 130 की मिलती है, आप सरेआम बैठ के पिए अंदर आराम से, एसी है, नमकीन है, आइस क्यूब है, सब कुछ मिलती है वहाँ पे। और आपने 58 गए सर, 58 नहीं आए, मेरी समझ से करीब 72 ठेके खुलवाए हैं केजरीवाल ने सर, जीरो। एक तो शराब, दूसरा तरह तरह की दिक्कतें हैं जनता। 1.5 साल से ऊपर हो गया केजरीवाल सरकार। हाँ जी, तो पंजाब में भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं वो, गलत जा रहे हैं वो, जिस मोटो को लेकर जा रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वो सिर्फ एक वोट की राजनीति है जिसके लिए वो जा रहे हैं वहाँ पे। आपका क्या कहना है? केजरीवाल सरकार ने जितने वादे किए हैं वो सारे फेल हो गए हैं, अब वो अगली सरकार बना पाएंगे ये सोचना उनके लिए काफी महंगा पड़ गया है। केजरीवाल ने सभी को वादे दिए थे कि बिजली मुफ्त में देंगे, पानी मुहैया कराएंगे, अभी तक वो वादा पूर्ण नहीं हो पाया है, हो सकता है कि अगली बार उनको लेकर डूब जाए। लेकिन यहाँ जितने वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, ये जो है अच्छी नहीं है कि ऐसे खुलेआम बियर बार के जैसा बाहर माहौलों में पिया जाए, ऐसा केजरीवाल ने कोई वादा नहीं कर पाया पूरा।